भगोड़े अमृतपाल सिंह को 36 दिन बाद पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। 18 मार्च से फरार चल रहे खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वो बार बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रहा था। अमृतपाल की ये गिरफ्तारी फुल ड्रामा रही, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस को नाको चने चबवाने वाले भगोड़े अमृतपाल के साथ गिरफ्तारी के बाद क्या क्या होगा। तो सबसे पहले ये बता दें कि पंजाब के मोगा से अमृतपाल को शिकंजे में लेने के बाद पंजाब पुलिस उसे पंजाब की किसी जेल में नहीं ले गई, बल्कि उसे लेकर असम की डिब्रूगढ़ जेल के लिए रवाना हुई। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में रखने के पीछे भी पंजाब पुलिस की एक बड़ी सोच है। दरअसल दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पहले से पंजाब के कई गैंगस्टर और अलगाववादी हैं। ऐसे में पंजाब सरकार ने अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेजा है, क्योंकि डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल पूर्वोत्तर भारत की सबसे पुरानी और सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। यहाँ की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से किसी भी कैदी का जेल से भागना मुमकिन नहीं माना जाता। वही बता दें कि खालिस्तानी अमृतपाल के ऊपर NSA के तहत केस दर्ज है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ऐसे में भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसियों समेत खुफिया एजेंसियां भी अमृतपाल से पूछताछ कर सकती हैं। अमृतपाल और उसके साथियों पर अलग अलग वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करने, हत्या का प्रयास करने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने और लोक सेवकों के काम में बाधा पैदा करने जैसे कई बड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं इतने आपराधिक मामलों के बावजूद एक महीने से पुलिस की आंखों में बार बार धूल झोंक कर फरार होने वाले अमृतपाल की रातें अब जेल में आराम से कटेंगी, ये कहना मुश्किल सा लगता है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जी मीडिया।